नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल डंके की चोट पे आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे काजल को फैलने से कैसे रोकें के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारा YouTube चैनल डंके की चोट पे तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी वाले वीडियो रोज लेकर आते रहते हैं। ज्यादातर लड़कियों को काजल लगाना बहुत पसंद होता है। काजल लगाने से आंखें खूबसूरत और बड़ी नजर आती हैं। कई लड़कियों पर तो काजल इतना अच्छा लगता है कि अगर वे एक भी दिन काजल न लगाएं तो लगता है कि चेहरा मुरझा गया है। लेकिन काजल लगाना भी एक कला है। काजल के स्ट्रोक किस तरह लगाए जाएं, यह बहुत अहम होता है। हालांकि सिर्फ सही तरीके से काजल लगा लेना ही पर्याप्त नहीं है। जरूरी है कि आपका काजल इस तरह लगा हो कि यह फैले नहीं। काजल फैल जाए तो पूरा मेकअप खराब लगने लग जाता है। ऐसे में आप चाहें तो इन उपायों को अपनाकर अपने काजल को फैलने से रोक सकती हैं। एक, काजल लगाने से पहले बहुत जरूरी है कि आप अपना चेहरा टोनर से साफ कर लें। इससे त्वचा पर मौजूद तेल साफ हो जाएगा, जिससे काजल के फैलने का डर कम हो जाएगा। दो, काजल लगाने से पहले आंखों के नीचे थोड़ा पाउडर लगा लें। आप चाहें तो आंखों के नीचे ब्रश या स्पंज की मदद से पाउडर लगा सकती हैं। तीन, हमेशा वाटरप्रूफ काजल का इस्तेमाल करें। वाटरप्रूफ काजल फैलता भी नहीं है और लंबे समय तक टिका भी रहता है। चार, आईलाइनर लगाकर काजल लगाने से यह कम फैलता है। उद्धरण चिन्ह। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जैसी जगहों पर शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूले, हम जल्द से जल्द जवाब देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारा YouTube चैनल डंके की चोट पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रोजाना हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो लेकर इस चैनल पर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।